Hello guys, once again welcome to KV Dreamers Academy and this is the new video of your Assam Direct Recruitment Grade 4 Exams और ये आपका Part 2 video है। इससे पहले मैंने आपको Part 1 दिया है, अगर आपने अभी तक access नहीं किया तो आप जाके मेरे link से access कर सकते हैं। और इन videos में हम लोग जितने भी previous PYQ questions है उनको भी ध्यान में रख रहे हैं और आपका जो Grade 3 में जितने भी important topic से question आया है, जो कि आपका World GK है या फिर Assam GK है और India से related जितने questions है, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इन वीडियो से। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑफिशियल सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंजिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका पीपल ट्री, पाम ट्री, कोकोनट ट्री या फिर बनियान ट्री। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, पाम ट्री विल बी योर करेक्ट आंसर। और अगर आपसे एनिमल के बारे में पूछते हैं, एनिमल का इंसिनिया क्या है, क्या साइन है, तो टाइगर इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले लायन होता था लेकिन अभी टाइगर होता है आपका। और साथ ही साथ अगर आपको इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछे ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको पूछे तो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1935, ये आपको ध्यान में रखना है। एक आपसे एस्टेब्लिशमेंट पूछता है या फिर आपसे सेकेंडली पूछता है आपका नेशनलाइज कब हुआ था ये, तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ एन नेशनल, ठीक है, नेशनलाइज, ठीक है, नेशनलाइज कब हुआ था आपसे पूछता है ये। तो नेशनलाइज अगर आपसे पूछे तो 1 अप्रैल इस्टैब्लिश डेट है इसका और नेशनलाइज का डेट है आपका 1 जनवरी 1949। तो ये दोनों ईयर और डेट आपको दोनों ही ध्यान में होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस ग्रासलैंड पूस्ताज इज लोकेटेड, पूस्ताज कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका यूएसए, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, हंगरी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे न्यूजीलैंड के बारे में पूछे तो कैंटरबरी, कैंटरबरी आपका एक ग्रासलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया का आपका डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यूएसए के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप पार्ट वन में अगर जाएंगे तो वहाँ भी 3-4 ग्रासलैंड मैंने डिस्कस किया है। और ग्रासलैंड डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है क्योंकि वर्ल्ड से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हिमालयस माउंटेन्स का क्वेश्चंस हो गया, अब आपको ग्रासलैंड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल जीवन और बातोत, सो बीना बोरुआ, इंद्रा गोस्वामी, बी के भट्टाचार्य या फिर लक्ष्मी नंदन बोरा। सो बीना बोरुआ विल बी योर करेक्ट आंसर। और इन्हीं का नाम है आपका बिरची कुमार बोरुआ, इनका पेन नेम है बीना बोरुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे कल क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बिरची कुमार बोरुआ का पेन नेम क्या है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनका ही नाम आपका बीना बोरुआ है। नेक्स्ट, इंदिरा गोस्वामी का बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका ये पेन नेम है इंदिरा गोस्वामी और इनका एक और नाम भी है जो कि है मामोनी रायजम गोस्वामी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मामोनी रायजम लिख दे रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन में देखें तो आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी नंदन बोरा क्यों फेमस है, तो इनको ही सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो सरस्वती सम्मान सबसे पहले आसाम से इन्हीं को मिला है और ये वन एंड ओनली आपके राइटर है जिनको सरस्वती सम्मान मिला है। और किस नॉवेल के लिए या बुक के लिए मिला था, तो इनको कायाकल्प के लिए मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कायाकल्प। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इनको कौन से ईयर में ये सरस्वती सम्मान मिला था, तो ईयर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। आपका दिहिंग पटकाई वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 2004। नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट इज नोन बाय वट अदर नेम, तो ये दूसरा इनका नाम, दूसरा इसका नाम क्या है गांधी इरविन पैक्ट का? गांधी पैक्ट, इरविन पैक्ट, कानपुर पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पैक्ट। और ये हुआ कब था आपका गांधी इरविन पैक्ट, तो ईयर अगर आपसे पूछे तो 1931 इसका करेक्ट आंसर बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2024 हेल्ड, 2024 का जो मिसिंग यूथ फेस्टिवल है वो कहाँ पे हुआ था? अमुलगुरी, गेरुगामुख या फिर कारेन चापोरी या फिर नॉन ऑफ दिस। सो कारेंग चापोरी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, आपका विच स्टेट हैज होस्टेड थर्ड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गेम्स इन 2024? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। सो नागालैंड विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इज द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ बारक रिवर, बारक रिवर का अगर आपको नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी पूछता है तो होता है जीरी, और अगर आपको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी पूछे तो हो जाता है धलेश्वरी,
तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। बारक रिवर से भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आपका ब्रह्मपुत्र और बारक रिवर दो ऐसे रिवर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। आपका द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो सरदार पटेल, सी राजा गोपालचारी, बलदेव सिंह या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो बलदेव सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट डेथ ऑफ द गौतम बुद्ध? डेथ क्या रिप्रेजेंट करता है इनमें से, लोटस, व्हील, स्तूपा या फिर हॉर्स? सो स्तूपा आपका करेक्ट आंसर होगा, और लोटस आपको अगर पूछे तो बर्थ के लिए आपका रिप्रेजेंट करता है, बर्थ के लिए आपका गौतम बुद्ध का लोटस या बुल आपका रिप्रेजेंट करता है। व्हील है जो कि आपका फर्स्ट सरमन के लिए, ठीक है, व्हील आपका फर्स्ट सरमन के लिए ये डिनोट करता है। और आपको अगर एनलाइटमेंट के बारे में पूछे तो वो आपका हो जाता है बोधि ट्री, तो बोधि ट्री भी आपको ध्यान में रखना है। बोधि ट्री किसके लिए आपका? तो ये इनके एनलाइटमेंट के लिए है, तो ये एनलाइटमेंट का सिंबल है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है रिलेटेड टू गौतम बुद्ध, तो एनलाइटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ अगर आपसे इनका नाम पूछा जाए कि इनका नाम क्या है, गौतम बुद्ध का अदर नेम अगर आपसे पूछे तो सिद्धार्थ है। तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, हॉर्स आपका रेनुंसिएशन के लिए होता है, आपका इन चाइना रिवर मानस इज नोन एज, रिवर मानस को चाइना में क्या कहा जाता है? सांगफो, नियामजांग, यारलुंग या फिर चू? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, नियामजांग। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा का ऑथर कौन है? तो शाहनामा के ऑथर है आपके फिरदौसी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ अबुल फजल किसके है? तो अकबर नामा के, बहुत बार ये भी पूछा जाता है आपसे कि अकबर नामा के राइटर कौन है या ऑथर कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे अबुल फजल। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी हुमायूं नामा की है, हुमायूं नामा। तो ये सारा क्वेश्चन इस तरीके से इंपॉर्टेंट बनता है, आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम लोग कितने ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एक ही टॉपिक से। तो ये सारे किताब इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उनके ऑथर्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडन गार्डन स्टेडियम इज सिचुएटेड इन? तो कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर मुंबई? सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। और आपको कमेंट बॉक्स में एक मुंबई का स्टेडियम का नाम बताना है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है आपका, और जहाँ पे सारा मुंबई का जितना मैचेस है आईपीएल का मैक्सिमम यहीं पे होता है, तो आपको स्टेडियम का नाम मुझे बताना है। ये भी आपसे कल एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियसली भी आपको स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में प्रीवियस एग्जाम में। और ऐसे ही मोनूमेंट से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले बार विक्टोरिया मेमोरियल से क्वेश्चन आया था, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी सेलिब्रेटेड इज द गुड गवर्नेंस डे, तो आपको पता चल गया गुड गवर्नेंस डे किसके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन से डेट में मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 दिसंबर, 25 जैन, 12 फेब। तो करेक्ट आंसर होगा 25 दिसंबर, जो कि आपका क्रिसमस का दिन होता है। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है इनमें से, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर हेक्सेन? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन आपका मेन कंपोनेंट होता है इन केस ऑफ एलपीजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम? अहोम किंगडम का लास्ट कैपिटल कौन सा है? यहाँ पे सरायदेव, जोरहाट, शिवसागर या फिर गोलाघाट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जोरहाट। और ये आपका सरायदेव जो है वो आपका फर्स्ट कैपिटल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले किंग का नाम और लास्ट किंग का नाम भी आपसे एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है आपके ग्रेड थ्री एग्जाम में। नेक्स्ट, द टर्म टाइम ट्रायल, ये जो आपका टर्म है टाइम ट्रायल, ये किससे एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से आपसे पूछ रहा है? तो इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो हॉकी, फुटबॉल, साइकिलिंग या फिर चेस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, साइकिलिंग से रिलेटेड है आपका टाइम ट्रायल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कैम्बोडिया? कैम्बोडिया का कैपिटल कौन सा है इनमें से? तो सोफिया, योनडे, फोनफेन या फिर ओटावा? द करेक्ट आंसर विल बी फोनफेन। आपको ओटावा किसका कैपिटल है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका कैनेडा का कैपिटल है। अगर आपको सोफिया पूछे तो सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया, ठीक है, बल्गेरिया भी कहते हैं बहुत लोग इसे, तो बल्गेरिया भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, बल्गेरिया करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ बल्गेरिया? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी बल्गेरिया का आपसे क्या पूछा, करेंसी पूछ दिया,
तो ये आपका प्रीवियसली एग्जाम में पूछा भी गया है, लेव इसका करेक्ट आंसर होगा, लेव इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको रियल रियल जो है वो किसका है, कंबोडिया का ही है, तो ये भी ध्यान में रखना है, कंबोडिया का ये आपका करेंसी है, तो कंबोडिया का अगर करेंसी पूछे तो रियल हो जाएगा। और आपको पेसो डॉलर का तो पता ही होगा, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो ये आपको देख लेना है एक बार। Which was the first artificial satellite launch from Indian made launch vehicle? तो अगर Indian made launch vehicle आपसे कह दे तो इसका आंसर चेंज हो जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट कहता कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो लॉन्च हुआ है तब तो आंसर आपका आर्यभट्टा होता, लेकिन इंडियन लॉन्च व्हीकल से बोले तो रोहिणी होगा, क्योंकि ये जो है आपका आर्यभट्टा, ये आपका सोवियत यूनियन के जो लॉन्च आपका व्हीकल है उससे आपका लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था कोसमोस 3। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स? सो 66, 62nd, 61st या फिर 63rd, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 61st विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका हाफ वे टू हेवन इज द टैगलाइन फॉर टूरिज्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पिछले बार आपसे गॉड्स ओन कंट्री ये आपका टैगलाइन पूछा गया था, जो कि आपका केरला का है। इस बार आपसे पूछा है हाफ वे टू हेवन, जो कि आपका मेघालय का है, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। और पिछले बार आपको जो पूछा गया था वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी आता है, तो गॉड्स ऑन कंट्री अगर आपसे पूछे तो केरला होगा। और अनलिमिटेड किसका है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन मिजोरम एट, कौन से जगह पे है मिजोरम के, ये एजवाल में, सरचिप में, भेरेंच या फिर लुंगलाई? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया इज प्लेड फॉर डूरांड कप, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या फिर सुब्रतो ट्रॉफी? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सुब्रतो ट्रॉफी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु इज द कैप्टन ऑफ द नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया, फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? तो सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू, मनप्रीत सिंह या फिर विनीत चौधरी? तो आपके गुरप्रीत सिंह सिंधु अभी आपके प्रेजेंट रिसेंट कैप्टन है। अगर आपको फॉर्मर पूछे जो पहले थे, तो फॉर्मर में आपके आ जाएंगे सुनील छेत्री, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके बाद मनप्रीत सिंह आपके हॉकी के हैं, मनप्रीत सिंह इज द कैप्टन ऑफ हॉकी। और आपका विनीत चौधरी अगर आपसे पूछे तो ये आपके वॉलीबॉल के हैं। तो इस तरीके से आपको प्रीवियसली भी एग्जाम में कैप्टन रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम परस्पेक्टिव से। आपका अल्फांजो मैंगोस जीआई टैग जो है वो किस स्टेट को दिया गया है? तो अल्फांजो मैंगोस जो है वो किस स्टेट का जीआई टैग है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र या फिर एमपी? द करेक्ट आंसर विल बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट, तो ये आपका जुपिटर, सैटर्न, मार्स या फिर यूरेनस इसका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है जुपिटर, जुपिटर आपका करेक्ट आंसर है। और एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट है, तो ये आपका है गैनेमेडी। अगर ये भी आपको ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में पूछे तो इसका करेक्ट आंसर आपका जुपिटर ही बनता है। सैटर्न का अगर आपको पूछे तो इसका हो जाता है आपका टाइटन, टाइटन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। अगर आपको मार्स से पूछे तो आपका फोबोस एंड डाइमोस, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये दो सैटेलाइट है मार्स के, फोबोस एंड डाइमोस, आपको ये दोनों नाम भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट फ्रॉम आसाम वॉज लेट इन द लॉन्च कंट्रोल ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? तो चयन दत्ता, ऐश्वर्या शर्मा, रमेश डेका या फिर जन्मे जॉय सरकार? द करेक्ट आंसर विल बी चयन दत्ता, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोएट्री वर्क ऑफ कालिदास? तो रघुवंशा, मेघदूता, कुमार संभव या ऑल ऑफ दिस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ये सारी किताब आपके कालिदास के। नेक्स्ट आपका विच मुगल एम्पायर वाज ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर और द लिविंग सेंट? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था, औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को या फिर हुमायूं को? तो करेक्ट आंसर होगा आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका एनएमडीसी अपॉइंटेड हुम एज द ब्रांड एम्बेसडर? तो एनएमडीसी जो है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर आपका निखत जरीन को बनाया गया है। मीनाक्षी नेहता अगर आपको पूछे तो इनको आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर इंडियन बिजनेसेस, तो ये लीड करेगी इंडियन बिजनेस को, जितने भी इंडियन मतलब इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट आपका करीना कपूर को बनाया गया है यूनिसेफ का, आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। करीना
करीना कपूर को यूनिसेफ का, और यूनिसेफ का यूथ में आपको असम से एक लड़की को बनाया गया है आपका एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ यूथ, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि उनका नाम क्या है। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग, तो नाइजीरिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे या फिर तांजानिया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे विल बी करेक्ट आंसर। आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द बुकर्स प्राइज, बुकर्स प्राइज किसको मिला, इंदिरा गांधी को, किरण देसाई, अरुंधति रॉय या फिर गीतांजलि श्री। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय, और इनका फेमस बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है किसके लिए इन्हें बुकर्स प्राइज मिला था, तो ये आपका है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट आपका, हुए अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया, अगर आपसे पूछे तो यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट आंसर हो जाता है। रॉबर्ट हुक के बारे में पूछे तो इन्होंने डिस्कवरी किया था सेल का, और अगर जे जे थॉमस के बारे में पूछा जाए तो डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर प्रोटॉन के बारे में पूछे तो ये आपके हो जाएंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो आपको रदरफोर्ड नाम पता होने से भी हो जाएगा, आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, आईएफएससी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनल फंड सेटलमेंट कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड या नॉन ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर विल बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट आपका स्टेटिक जीके का क्वेश्चन है अभी तक, मतलब ग्रेड थ्री के एग्जाम में नहीं पूछा गया ज्यादा स्टेटिक जीके, लेकिन फॉर श्योर मुझे जहां तक पता है कि इस एग्जाम में आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टेटिक जीके से बहुत क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा 5 मिनट शॉर्ट्स का एक वीडियो का प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। द 5 मिनट शॉर्ट्स के नाम से ये प्लेलिस्ट है, और यहाँ पे आपका सारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके मैंने कवर किया है, चाहे वो नेशनल पार्क, करेंट करें मतलब कैपिटल करेंसी हो, डांसेस हो, या फिर आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मोनूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सारा यहाँ पे आपका कवर किया गया है। और अगर आपको मिक्स क्वेश्चन रिवाइज करना है फॉर ग्रेड फोर एग्जाम, तो ग्रेड फोर के लेवल का ही मिक्स क्वेश्चन मैंने रखा है, यहाँ पे आपको 10 वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे आपका सोशल स्टडीज प्लस जीके जीएस का बेस्ट क्वेश्चंस मैंने कराया, तो इसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर मैथ, इंग्लिश, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ग्रेड फोर लेवल, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, या फिर आई लिंक में आप जाके क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको फ्री ऑफ कंटेंट, सॉरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट को एक्सेस कर सके। थैंक यू गाइस।